हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में कांग्रेस की लहर नजर आ रही थी और बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बना हुआ था। लेकिन फिर जैसे एक चमत्कार हुआ और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई और जीत के इतना करीब होते हुए भी कांग्रेस हार गई। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर की गुटबाजी, मिसमैनेजमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था, फिर भी पार्टी चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था, तो क्या अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी यही होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा का चुनाव तो संपन्न हो चुका है, प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार भी बन गई है, तो फिर आज क्यों हम हरियाणा की बात कर रहे हैं? दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी नवंबर महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो क्या ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आगामी दोनों राज्यों के चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि अगर पार्टी ने हरियाणा वाली गलतियां फिर से दोहराई तो दोनों राज्यों में उसका खेल बिगड़ सकता है। अब तक बने राजनीतिक समीकरण ये बताते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन फिर भी पार्टी चुनाव जीतने में नाकामयाब रही। आज हम आपको उन तीनों चुनाव के इंसिडेंट, डेटा और एक्सपर्ट्स की राय लेकर कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी। पहले बात दिल्ली से लगे हरियाणा की। सितंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा की करीब 66 सीटों पर कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके थे, लेकिन 8 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका चले गए और उन्होंने भारत को लेकर कई ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। 16 सितंबर को राहुल भारत लौटे और चुनाव के आखिरी हफ्ते में हरियाणा में कुछ रैलियां की। 8 रैलियां और रोड शोज करके राहुल ने करीब 33 सीटें कवर की। उनमें से 11 सीटें कांग्रेस जीती, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कुल 2 रैलियां की। वहीं कुमारी शैलजा ने टिकट बंटवारे में समर्थकों को तरजीह न मिलने की नाराजगी पार्टी हाईकमान से खुले तौर पर जताई। चुनाव प्रचार के शुरुआती 2 हफ्तों तक उन्होंने कैंपेन से दूरी बनाई। उन्होंने खड़गे से मुलाकात की और खड़गे से आश्वासन के बाद वो भी प्रचार में सक्रिय हुई। लेकिन 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में कुमारी शैलजा ने कुल 9 जगह ही प्रचार किया। चौटाला के गढ़ एलनाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल हुड्डा गुट के माने जाते हैं। उन्होंने कुमारी शैलजा को अपने प्रचार के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। हालांकि बेनीवाल फिर भी चुनाव जीत गए। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिन पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये चुनाव मिसमैनेजमेंट वर्सेस माइक्रो मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने साफ देखा है कि किस तरह से कांग्रेस जीते हुए चुनाव को मिसमैनेजमेंट के चलते हार की तरफ लेकर आई है, और जो बीजेपी लड़ाई में भी नहीं थी वो बड़े हुए वोटों के साथ सत्ता में वापस आई है। कांग्रेस की ओर से करवाए गए इंटरनल सर्वे से पता चला कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों की वजह से पार्टी को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट नीजा चौधरी की माने तो 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, जिनमें से 7 बागी थे। ऐसा भी माना जाता है कि इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन मिला हुआ था। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी अलायंस न करने का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान तो आपसे गठबंधन करने के पक्ष में था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं थे। अगर कांग्रेस और आपके साथ चुनाव लड़ती तो कम से कम 5 सीटों का फायदा तो हो ही सकता था। इसके अलावा हरियाणा में हुड्डा और शैलजा गुट में जो खींचतान मची थी उससे भला कौन वाकिफ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस मोटा मोटी तौर पर 2 गुटों में बटी थी। पहला गुट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दूसरा गुट एसआर के नाम से जाना जाता है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी शामिल हैं। किरण चौधरी को बीजेपी पहले ही अपने पाले में ले गई थी। जाने से पहले किरण ने खड़गे को एक लेटर लिखकर हरियाणा की गुटबाजी के बारे में बताया भी था। किरण ने लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है, मुझे अपमानित किया गया, और फिर वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी के रंग में रंग गई। अब एक तरफ बचे थे हुड्डा बाप बेटा और दूसरी तरफ थी कुमारी शैलजा और सुरजेवाला। इन दोनों गुटों के बीच चुनाव की शुरुआत से ही प्रचार, पोस्टर और बयानों को लेकर बगावत देखने को मिली। हुड्डा गुट ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया
तो कुमारी शैलजा ने अलग से कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली। इससे हरियाणा की कांग्रेस समर्थक जनता भी कंफ्यूज हो गई और दो भागों में बंटकर रह गई। रही सही कसर कांग्रेस आला कमान ने पूरी कर दी, जिसने हुड्डा पर ज्यादा भरोसा जताया और 90 में से 72 सीटों पर हुड्डा समर्थकों को टिकट दिया। मतलब टिकट बंटवारे में भी शैलजा और सुरजेवाला की नहीं चली। हुड्डा ने ही पूरे चुनाव को लीड किया और स्ट्रैटेजी तैयार की, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। कांग्रेस के हार की एक और बड़ी वजह रही। दरअसल जून 2023 में राहुल गांधी के करीबी दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने थे, लेकिन बाबरिया न तो हरियाणा में संगठन बना पाए और न ही गुटबाजी रोक पाए। चुनाव में टिकट वितरण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो दिल्ली इलाज कराने चले गए और उनकी जगह किसी और को प्रभारी भी नहीं बनाया गया। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं का हाईकमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हरियाणा के पुराने सीनियर लीडर हुड्डा की मनमानियों की वजह से पार्टी का जो हश्र हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। ठीक इसी तरह से पिछले साल 2023 में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी हुआ था, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओल्ड गार्ड्स ने चुनाव लीड किया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात एमपी की करें तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने करीब 634 रैलियां की थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 350 रैलियां ही की थी, यानी लगभग आधा। बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश में करीब 165 रैलियां की थी, जबकि चुनाव के लिए वो बीजेपी का सीएम फेस भी नहीं थे। वहीं चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बने हुए कमलनाथ ने कुल 114 रैलियां की थी। कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कानुगोलू का मध्य प्रदेश में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उन्होंने तेलंगाना में फ्री हैंड काम किया तो वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। इससे पहले दिसंबर 2022 में कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वहां भी कांग्रेसियों में आपसी खींचतान नजर आई। भूपेश बघेल के करीबी विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंह देव और प्रभारी कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए और कहा कि हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा टीएस सिंह देव से ड्राइविंग करवाती थी और खुद सामने बैठकर फोटोशूट करवाती थी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 20 लोगों का टिकट काट दिया था, जिनमें 14 सीटों पर कांग्रेस हार गई। हरियाणा की तरह ही उस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में खजुराहो की एक सीट सपा को दी गई, लेकिन उसके कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया। चुनाव के दौरान जब कमलनाथ से अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बन तो गई, लेकिन अंतर्कलह जारी रहा। तब के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंह देव के बीच टकराव होता रहा। बघेल गुट के विधायक बृहस्पति सिंह ने तो विधानसभा में ही टीएस के खिलाफ बयानबाजी कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। वो गुटबाजी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रही। टीएस देव के खिलाफ कई नेता लामबंद हुए और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस यहाँ की 90 में से 35 सीटें ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश में भी वही हाल था। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस में 3 गुट थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। 2020 में सिंधिया ने अपने गुट के 22 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की और राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद एमपी कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही गुट बचे। 2023 के चुनाव में भी इनके बीच खींचतान जारी रही। उस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और लोगों को शिवराज को लेकर नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस की खेमेबंदी ने वहां भी पार्टी की लुटिया डुबो दी और पार्टी महज 66 सीटें ही जीत सकी। तो चलिए अब रुक करते हैं उन दो राज्यों की ओर जहां अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो कहा जा रहा है कि हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या फिर भी कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है? तो आपको बता दें, इस बार महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और 2 बड़े गुट हैं। इनमें से एक बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार ने अलायंस कर महायुति बनाई है, जिसकी अभी सरकार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार ने मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाया है। हाल ही में हुए 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी महाराष्ट्र में मोमेंटम कांग्रेस के साथ है। इसके बावजूद अगर हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ वाली गलतियां दोहराई गईं, तो यहां भी चुनाव कांग्रेस के हाथ से फिसल सकता है। बताया जा रहा है कि महायुति का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 155 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर,
एनसीपी अजीत पवार गुट 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी यहां 110, 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इससे कम पर कांग्रेस तैयार नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शरद पवार तैयार नहीं है। ऐसे कैसे ये लोग सत्ताधारी महायुति को हरा पाएंगे? हालांकि पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सीनियर नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। करीब 13 बड़े नेताओं की महाराष्ट्र में तैनाती की गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और कद्दावर महासचिव मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र में इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन करेंगे। इनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, उमंग सिंघार, जी परमेश्वर, उत्तम रेड्डी, टीएस सिंह देव, एमबी पाटिल, नासिर हुसैन जैसे दिग्गज शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जून में जब बीजेपी ने संसद में बहुमत खोया और सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लिया, तब कांग्रेस ने इसे खुद के रिवाइवल मोमेंटम के तौर पर देखा था। लेकिन हरियाणा के नतीजे मोदी और बीजेपी के लिए बूस्टर साबित हुए। इससे पार्टी नेता और कार्यकर्ता ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में मिली जीत बीजेपी को अगले विधानसभा चुनावों में और ज्यादा पावर देगी। अब बात करते हैं झारखंड की, तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को काफी मजबूती मिली है और इसका सीधा असर 14 सीटों पर दिख भी रहा है। 2019 यानी झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 30 सीटों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। 4 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आखिरी साल में झारखंड में भी काफी उठापटक देखने को मिली और कुछ पार्टियों में भगदड़ मची रही। लिहाजा इस बार झारखंड में सियासी ऊंट किस ओर करवट लेकर बैठेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी कांग्रेस के लिए जीत की राह इतनी आसान तो नहीं होने वाली। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।